15 अगस्त 1947, आजादी की वो सुबह जिसकी चाहत में हजारों वीर शहीद हो गए, वो सुबह जिसके लिए हजारों लड़ाइयां लड़ी गई, वो सुबह जो पूरे देश की आंखों में खुशी के आंसू और मेहनत की मुस्कान लेकर आई। आपने इस सुबह के बहुत से किस्से सुने होंगे, पर उस सुबह से पहले की एक रात थी, उस एक रात में जो हुआ उसका जिक्र नहीं होता। वो रात जिसमें खुशी तो थी लेकिन जिसमें गम भी था। 15 अगस्त के बारे में बात बहुत हो गई, आज हम बात करेंगे 14 अगस्त 1947 की। 14 अगस्त को भारतीय इतिहास का सबसे मुश्किल दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस एक दिन में भारत का भूगोल, समाज और संस्कृति सबका बंटवारा हो गया। तो क्या हुआ था उस दिन और रात में, चलिए अब देखते हैं उस पूरे दिन की कहानी। भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था, लेकिन उस आजादी में जो दर्द था वो एक दिन का नहीं था। अंग्रेजों के खात्मे की ये कहानी साल 1947 की शुरुआत में लिखनी शुरू हो गई थी। ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली की सरकार को ये उम्मीद थी कि भारत बिना बंटवारा किए सुलह और शांति के साथ आजाद होगा, लेकिन अफसोस ये उम्मीद टूट गई और 3 जून 1947 को क्लेमेंट एटली को ऑल इंडिया रेडियो पर यह अनाउंस करना पड़ा कि सदियों से तितर बितर पड़े हिंदुस्तान को हमने यूनाइट किया और हमें उम्मीद थी कि एकता देश के आजाद होने के बाद भी बनी रहेगी, लेकिन हिंदुस्तानी नेताओं को ये मंजूर नहीं है, इसलिए हमारे पास देश का बंटवारा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जिसका मतलब ये है कि अब ब्रिटिश हिंदुस्तान का राजकाज दो सरकारों को सौंप रही है। और फिर देश के बंटवारे का जहरीला फैसला 18 जुलाई को ले लिया गया। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिली। इसकी नींव माउंट बेटन ने रखी थी। इसमें देश की आजादी के बदले अंग्रेजों ने इसके दो टुकड़े करने की ठानी थी और इस काम के लिए चुना गया लंदन के वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को। वो रेडक्लिफ जो कभी भारत नहीं आए थे, जिन्हें ना यहाँ की संस्कृति की जानकारी थी ना तहजीब का इल्म था, जो सिर्फ एक नक्शे पर लकीर खींचने आ रहे थे और उस वक्त शायद उन्हें नहीं पता था कि वो दुनिया का बेहद स्याह फैसला लेने जा रहे हैं। सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपनी जमीन जायदाद छोड़कर चले जाना पड़ा। लाखों लोग मकान, दुकान और संपत्ति से रातों रात बेदखल होकर सड़क पर आ गए। भारत पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी सदियों तक याद रखी जाएगी। 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक रही। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आजाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत भेजा। इस खत में लिखा था, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा, आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हों, अपना आशीर्वाद दें। महात्मा गांधी आजादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। गांधी ने इस खत का जवाब भिजवाया, जब कलकत्ते में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ, मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। 14 अगस्त की शाम नेहरू अपने 17 यॉर्क रोड वाले घर पर इंदिरा गांधी और पदमजा नायडू के साथ बैठे हुए थे, तभी एक फोन बजता है। फोन लाहौर से था। फोन रखते ही नेहरू का चेहरा लाल पड़ गया था और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी। लोग प्यास से पागल हो रहे थे और जो औरतें और बच्चे पानी के तलाश में बाहर निकल रहे थे, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। नेहरू इंदिरा को बोलते हैं, ऐसे में वो अपने 15 अगस्त का भाषण कैसे दे सकते हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि वो देश की आजादी पर खुश है, जबकि उनका लाहौर जल रहा है। 14 अगस्त 1947 की रात संविधान सभा की 5वीं बैठक में भारत की आजादी का ऐलान किया गया। बैठक की शुरुआत रात 11 बजे संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी के वंदे मातरम गीत को गाने के साथ हुई। फिर राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्षीय भाषण हुआ। इसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने संविधान सभा के सामने आजादी का प्रस्ताव रखा। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दो प्रस्ताव रखे कि वायसराय को इसकी सूचना दी जाए कि भारत का संविधान सभा ने भारत देश की सत्ता संभाल ली है।
11:55 पर संसद के सेंट्रल हॉल में नेहरू की आवाज गूंजती है। ये वो भाषण था जिसे ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, जिसे वो कहते हैं कि हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम उस वादे को पूरा करें। शायद पूरी तरह नहीं, पर कम से कम जहां तक हो सके वहां तक तो जरूर। आधी रात के वक्त जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और आजादी की नई सुबह में अपनी आंखें खोलेगा। संविधान सभा में तालियां थम नहीं रही थी, सदस्य मेजे थपथपा रहे थे। स्वागत था एक नए भारत का, एक नए राष्ट्र का, आजाद भारत का, जिसके सपने अब अपने होंगे। लेकिन जब पूरा देश जाग कर नेहरू का ये ऐतिहासिक भाषण सुन रहा था, उस दिन महात्मा गांधी ने भाषण नहीं सुना और वो रात 9 बजे सोने चले गए थे। दूसरी तरफ वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू बह निकले और महात्मा गांधी की जय के नारों से सेंट्रल हॉल गूंज गया। इसके बाद सुचेता कृपलानी ने, जो 60 के दशक में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, पहले अल्लामा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा और फिर बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम गाया, जो बाद में भारत का राष्ट्र गीत बना। सदन के अंदर सूट पहने हुए एंग्लो इंडियन नेता फ्रैंक एंटनी ने दौड़कर जवाहरलाल नेहरू को गले लगा लिया। संसद भवन के बाहर मूसलाधार बारिश में हजारों भारतीय इस बेला का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नेहरू संसद भवन से बाहर निकले, मानो हर कोई उन्हें घेर लेना चाहता था। इस सभा के बाद भारत एक आजाद मुल्क बन गया था। पर अभी आपको एक दिलचस्प बात बतानी बाकी रह गई है। दरअसल हुआ यूं कि आधी रात के थोड़ी देर बाद जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक रूप से भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने का न्योता देने गए। माउंटबेटन ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। उन्होंने पोर्ट वाइन की बोतल खोली और अपने हाथों से अपने मेहमानों के गिलास भरे। फिर अपना गिलास भरकर उन्होंने अपना हाथ ऊंचा किया और कहा, टू इंडिया। एक घूंट लेने के बाद नेहरू ने माउंटबेटन की तरफ अपना गिलास उठाकर कहा, किंग जॉर्ज सिस्टम के लिए। नेहरू ने उन्हें एक लिफाफा दिया और कहा, इसमें उन मंत्रियों का नाम है जिन्हें कल शपथ दिलाई जाएगी। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के जाने के बाद जब माउंटबेटन ने लिफाफा खोला तो उनकी हंसी निकल गई, क्योंकि वो खाली था। जल्दबाजी में नेहरू उसमें मंत्रियों के नाम वाला कागज रखना भूल गए थे। कनॉट प्लेस और लाल किला हरे केसरिया और सफेद रोशनी से नहाए हुए थे। पूरे देश में खुशी की लहर थी, लेकिन इसी के एक तरफ बंटवारे का दर्द भी था, लोगों के बिछड़ने का, अपनों से अपनों के जुदा होने का। उस दर्द के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप उस दिन वहां मौजूद होते तो आप कैसा महसूस करते हैं, हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करना।